ऐसा कोई गुनाह तो किया नहीं है, भले ठीक है उनके यहाँ इंटरेस्ट रेट घट गई और इन्फ्लेशन घट गया, तो कैचअप एक्ट में भी 21,200 का जो टारगेट मैंने आपसे निकाला था, अभी तक की वॉल स्ट्रीट की चाल को भी हम कैचअप करते हैं तो 21,200 तो वहीं आ जाएगा। तो देखिए ऊपर के भावों में कल्पना को करते वक्त थोड़ा सा अनुशासन रखना, थोड़ा सा बेबाक कम होना जरूरी होता है, लोग बह जाते हैं। और मुझे लगता है कि वॉल स्ट्रीट अभी भी यहाँ से 6-7% और बढ़ेगा, इन्फ्लेशन घट गया, इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, डॉलर टूट गया बुरी तरह से। आप देखो डॉलर इंडेक्स की चार्ट अगर मैं आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ, तो ये डॉलर यहाँ से अब बहुत बेतहाशा टूटना शुरू हो गया है। तो इस डॉलर इंडेक्स की घटने में पूरे वर्ल्ड के इक्विटी मार्केट्स मेरे को लगता है एक तरफा बहते चले जाएंगे ऊपर। यहां से अभी तक डॉलर इंडेक्स खाली 2% घटा और तब ये कमाल हो गया। मुझे लगता है कि 98-97 तक के लेवल तक डॉलर इंडेक्स जा सकता है अगले 1-1.5 महीने में। तो एक तरफा तेजी का ही रुख अपना के चलना चाहिए, पुल बैक्स में लेना चाहिए। आज की रॉकेट कॉल्स क्या रहेंगी सुशील, बिग स्टॉक्स? देखिए कोपरान में हम जो काफी समय से बाई मेंटेन करके चल रहे हैं, 600 रुपए का टारगेट साल भर में, अब इसने कंसोलिडेशन करने के बाद आज देखिए कोपरान ने जो बड़ा ब्रेकआउट दे दिया, तो जिनको ये सट्टा मारने की आदत है वो अपना सावधानी से करें, 226-27 का स्टॉप लॉस रख के अगला पड़ाव मुझे 330 तक लगता है कोपरान में। अब तो खैर सर्किट ही लग रहा है कि क्या है पता नहीं, काफी बढ़ गया, इंट्राडे में बंद हुआ था 227 का भी 241, तो कोई भी पुल बैक मिले तो कोपरान लेना चाहिए, अगला पड़ाव 340, उसके बाद थोड़ा करेक्शन और इवेंचुअली हमें ये 450 तक जाता लगता है, 415-420 तक। तो कोपरान आज जो ट्रिगर आया है उसमें हमारी एक पुरानी कॉल को हम ऐड कर रहे हैं कि कोपरान अब बड़ा भाई है। ओके सुशील जी, यूएस मार्केट का आपने जिक्र किया और आपने ये कहा कि वो जो डिफरेंशियल है इतना बड़ा है उसके बेसिस पे आपने निफ्टी का टारगेट लगाया। अब जो आज आईटी आईटी में शॉर्ट कवरिंग की लार्ज कैप, नहीं नहीं ठीक है, मैं उसी डिफरेंशियल के उसी डिफरेंशियल पे सवाल पूछ रहा हूँ। अब निफ्टी आईटी में शॉर्ट कवरिंग है, लार्ज कैप आईटी में ज्यादा शॉर्ट कवरिंग है, आप टेक महिंद्रा को देखिए सुबह से, इसमें कोई मीनिंगफुल आपको ट्रेड करने लायक कुछ लग रहा है क्या लार्ज कैप और मिड कैप आईटी में? हाँ, अब आईटी स्टॉक्स में जो हमने 1.5-2 महीने सावधानी रखी कि लेंगे ही नहीं, छूना ही नहीं है, अब वो दौर जा चुका है। पर हमारे प्रेफर्ड स्टॉक्स में जो है वो LTTS, Emphasis और आपका टेक महिंद्रा भी ठीक है, उसमें HCL टेक भी ठीक है, आ जाएगा लिस्ट पे लाइन में। और लार्जर वंस में से विप्रो हमें सबसे बेस्ट चार्ट लगती है, इन्फोसिस TCS अभी थोड़े से वॉबली रह सकते हैं। तो आईटी छोड़िए, अब तो जो थके थकाए बिल्कुल मेटल के स्टॉक अगर हिंडालको ने ब्रेकआउट दे दिया और वो भी 10% उछलेगा, और JSW स्टील तो खैर ठीक है, मजबूत चार्ट है, इवन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और टाटा स्टील भी 10-10% उछलेंगे, तो भाई साहब सवाल ये है कि इस बाजार में ये सवाल पूछना ज्यादा आसान होगा कि क्या नहीं लेना है। मुझे बैंक्स और ऑटो नहीं लेने, टाटा मोटर्स को छोड़ के कोई भी ऑटो नहीं लूंगा, बैंक्स नहीं लूंगा, बाकी जिसको जो पसंद आए बोलो, सारा बाजार चलेगा। ओके, तो आईटी पे साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो सुशील जी ने कुछ बैंकों पर और ऑटो पर भी टिप्पणी कर दी। अब आते हैं थोड़ी सी कुछ जो NBFCs हैं सुशील जी, उसमें एक क्योंकि रियल स्टेट काफ़ी चला, रियल स्टेट इंसिलरी काफ़ी चला, मैं एक स्टॉक पे आपका व्यू चाह रहा था सर, LIC हाउसिंग फाइनेंस, आज करीब करीब 464 पे ट्रेड करता हुआ, ये भी मतलब आप समझ लीजिएगा कि जुलाई के बाद की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री, मल्टीपल हाइज लगाए इस जोन में, यहाँ पे कोई मेजर स्विंग दिख रहे हैं आप या फिर कोई और NBFC में? देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस हमारा 314-15 से लगातार बाई एंड होल्ड मेंटेन्ड है, इतनी जिगिर जिगिर चलती है चार्ट, भले इसको फ्यूचर्स में डाला है, इसमें ट्रेडिंग करके सट्टा करके पैसा लग जाएगा, डिलीवरी लेने वाला कमाएगा, तो हमारे व्यू में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है कि इसका अगला पड़ाव 530 और वहां से कुछ करेक्शन होने के बाद इवेंचुअली निवेश करने वाले को, डिलीवरी करने वाले को 630 में भी बेचने मिलेगा। ट्रेडिंग का स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, ट्रेडिंग करने वाले को दोनों तरफ थप्पड़ पड़ेंगे। मुहूर्त वाले दिन मैंने आपसे एक डार्क हॉर्स पूछा था तो आपने कहा था GNFC कि नंबर्स भले ही खराब आए हों लेकिन स्टॉक चलेगा यहाँ से। एक बार जरा GNFC देखते हैं, आज थोड़ी शुरुआत फ्लैट हुई लेकिन अब इस समय डे हाई पर ये स्टॉक 3.25% ऊपर, उस दिन 680 रुपये था मुहूर्त वाले दिन। क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर अब सुशील, एक बार रिविजिट करते हैं इसको, एक बार जरा वो चार्ट दिखा के बताइए कि क्यों आप बुलिश हैं। देखिए चार्ट बड़ी सिंपल है, आप यहाँ देखो डेली चार्ट पे जो ट्रायंगल पैटर्न बना है ना, आप इसको देखें, ये देखिए ये A B C D और E,
ये इतना लॉन्ग टर्म ट्रायंगुलर पैटर्न है, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 साल भर का है पैटर्न, और उसके बाद अब ये जब निकला है हमें इसको डिलीवरी लेके 1500 तक की तेजी देखनी है। मेरे पास वो स्किल्स नहीं है कि मैं हर एक चार्ट पे हर एक स्टॉक पे हर घंटे और हर दिन की ट्रेडिंग कर लूं, पर मेरे पास ये मेच्योरिटी जरूर है कि किन स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करनी। तो हमने फैसला किया हम जीएनएफसी में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, इसको दबोच के चुपचाप बैठेंगे, अब 1500 का भाव आएगा तब तक इसको हम रिव्यू ही नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, इसको रोज रोज छेड़ेंगे तो सौदा बिगड़ जाएगा कुछ। ये बहुत नॉइजी है स्टॉक डेली बेसिस पे, और उसी में ट्रेडर्स पैसा खो देते हैं और इन्वेस्टर्स में पैसा कमा लेगा। तो हमारा फैसला कि इसको हम डेली डेली ट्रेड नहीं करेंगे, जितने भी पुलबैक आएंगे 5% 7% के भी बीच में कोई पैनिक पुलबैक आएंगे तो हमें इसको लेना ही है। एंटी कंसेंसस शॉर्ट कॉल इस समय सुशील, सॉरी कोई एंटी कंसेंसस या कोई बोल्ड सेल कॉल इस समय? सारी बाय कॉल्स तो हो गई डिस्कस। अब देखिए अगर अब जिद ही मचानी है, जब मतलब बोलते हैं ना कि पैसा बरस रहा है तो उसको बटोरने की बजाय हम जाके और कहीं छेड़छाड़ करें, तो चलिए अगर जीदी मचानी तो टाटा केमिकल्स की एक चार्ट है जो बेरिश है और ठीक है हर्ज नहीं है, कुछ बेरिश कॉल्स भी पोर्टफोलियो में हो तो ओपनिंग गैप अप गैप डाउन पैनिक नहीं देता है। देखिए टाटा केमिकल्स इस चैनल के नीचे आ चुका है एक बार, फिलहाल ओवरसोल्ड है, अगले दो चार दिन में जब भी ये रीबाउंड मारता है 990-95 की तरफ, जो कि यहाँ से 5% ऊपर ये भी हो गया, तो अगले दौर के लिए हम टाटा केमिकल्स को करीब करीब समझिए 990-92 का स्टॉप लॉस रख के बेच के बैठेंगे तो 800-750 तक कुछ भी हमें काटने को नीचे मिल सकता है। एक स्टॉक पे अनुज मैं एक अर्जेंट अपडेट आप लोगों को देना चाहूंगा, क्योंकि कई बार आपने इसके बारे में पूछा है, बीएसई 1400 पे घबरा के कि हमारी औकात से ज्यादा पैसा बन गया, हमने आपको एक कॉल दिया कि आधा माल हम यहाँ बेच रहे हैं और ये 1340 से जब 1400 से घुमा और आधे की हम ट्रेडिंग करेंगे, और वो आधे माल के अंदर में अब, और हमारी ये बात भी हुई थी कि एक बार 400 पे बात हुई 1200 और क्या पता 1200 का 2500 भी हो जाए, तो वो सारे अरमान पूरे कर दिए इसने, हमारी कल्पनाओं को बीट कर दिया। अब 2500 तक बोलने का यूफेमिज्म था, 2300 पे अब हमने अपने सारे निवेशकों को अपने क्लाइंट्स को ये कॉल दे दिया कि जो भी बचा कुचा माल है बेच के खत्म करो, भगवान ने हमें मैंडेट नहीं दिया कि हम आखिरी 100 रुपया कमाना है, औकात से ज्यादा पैसा बन गया, 90 की ये पी रेशियो सब सस्टेनेबल नहीं है और चार्ट के भी सारे पैटर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये कोई पागलपन में भागता ही चला जाए तो पागलपन को पकड़ना हमारा काम नहीं है प्रोफेशनल का, टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरफ से इसके जस्टिफिकेशंस खत्म हो गए पकड़ के बैठने के, और अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा मिल गया हम टेबल पे से इसको पूरा लेके उठ गए।